हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बच्चे होंगे, अच्छे होना अच्छी बात है। ये देखिए, आज मॉर्निंग में कुछ और ही हो रहा है। मॉर्निंग रूटीन में यहाँ पे ना ये पुराने घर के लकड़े हैं जो मैं चीर रही हूँ। इस तरह के काम रहते हैं गांव में, तो जो हम लोगों को सब करने पड़ते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में तो नहीं होते। हम लोगों को, मेरे को तो सब करना पड़ता है, जिसके जेंट्स लोग घर में नहीं होते हैं, तो सब लेडीज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही हूँ। और फिर मैं कौशर चली गई थी, कौशर से वापस आके फिर यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ पतरोड़ू। तो उसके लिए मैं मसाला वो मिक्स कर रही हूँ, गोटा बना रही हूँ। और ये डाल दी मैंने अजवाइन, सूखा धनिया, सब चीज़ डाल दी थी मैंने, जो जो मैं मसाले डालती हूँ। और डेली रूटीन है मेरी। तो अब मैं इनको ना थोड़ा सा पीस के फिर दरदरा सा करके, बिल्कुल भी नहीं पीसना है आज। मैंने पहली बार बनाया, खुद बनाए थे आज मैंने पहली बार। तो मेरे को लगा पता नहीं कैसे बने थे, बट सच्ची में बहुत अच्छे बने थे जिस तरह से मैंने बनाए हैं। आइए, मैंने आपके आपके साथ ना आगे शेयर किया है कि मैंने कैसे बनाए हैं। और इसमें मैंने बेसन मिला दिया था, इस कुंडी में ही मैंने बेसन मिला दिया था, क्योंकि मैंने सोचा बर्तन ऐसे वेस्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो मैंने इसी में ही मिला दिए। और देखिए, इस तरह से मैं बना रही हूँ आज पतरोड़े। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और वीडियो का ना थोड़ा 2-3 मिनट तक खोलना और देखना, एकदम वीडियो खोली और स्किप कर दी ऐसा मत करना प्लीज़। तो ये देखिए आप, मतलब हम तो 2-3 ही थे, 2-3 तो फिर इतने से थे, 4 ही मैंने पतरोड़ू बनाए थे, जो कि बच्चों ने नहीं खाए, बिल्कुल नहीं खाए। मैंने शाम तक खाए, मेरे को बहुत यम्मी लगे थे, बहुत टेस्टी बने थे सच्ची में। और इस तरह से मैंने इसमें पहले नीचे ना लकड़ी डाली थी पतीली में, और पानी डाला था उसके ऊपर से मैंने ये सब डाले, और थोड़ा सा ढक्कन टेढ़ा कर दिया ताकि इसमें पानी ना जाए। और ये देखिए आप, और आज सब्जी पतरोड़ थे, तो ये बच्चे लोग नहीं खाते हैं, सूखी सूखी सब्जी रहती है, तो इनके लिए मैं अपना झोल बना रही हूँ। हम तो झोल ही बोलते हैं, कोई खेरू बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो मैं अपनी लैंग्वेज यूज़ करूँगी, हम झोल बोलते हैं। तो मैं झोल बना रही थी इनके लिए। इनको आज सब बच्चे थे, 2 देवरानी के भी थे और 2 अपने भी हैं, तो इन्होंने इस चीज़ से खाया। और शाम के टाइम ये हम यहाँ शराध को चले गए थे, तो फिर शाम का खाना आज शराध में खाया। तो आजकल शराध लगे हैं, आई होप आपको सबको पता होगा। इतने से चावल थोड़े ज़्यादा निकल गए थे, तो थोड़े इतने से चावल इसमें डाले मैंने अब उबाल आने तक। इसमें ना नमक ऐड नहीं करना कभी, अगर आप इस तरह से ट्राई करोगे तो इसमें नमक ऐड कभी मत करना, क्योंकि उबाल आने के बाद ही नमक ऐड करना इसमें। तो देखिए आप, और यहाँ पे मेरे ये पतरोड़ हो गए थे तैयार, और झोल भी उतार दिया था मैंने। अब मैं इनको थोड़ा सा तलूँगी, मतलब बाकी मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ ऑयल गरम किया और ऑयल में ये डाल दिए, गरम किए सिर्फ, बाकी मसाला मैंने डाला था सब चीज़ इसमें। तो ये देखिए आप, थोड़ी देर में मैंने दी, और फिर तेल ही मैंने उसमें ज़्यादा नहीं डाला है, इसमें थोड़ा सा डाला है। और फिर खुद मैं चपाती बनाने लग पड़ी थी। और देखिए आप, इस तरह से 5 से 10 मिनट रहने देने हैं, ताकि इसकी जो कशिश होती ना, एक मतलब अजीब जैसे मुंह में लगती है, तो वो निकल जाती है इस तरह से तेल में। तो ये देखिए, लेकिन मैं चपाती बनाने, फिर खाना खुना खा के हम चले गए थे अखरोट निकालने। तो थोड़ा छोटा सा पेड़ है मेरे अपने, बस तो यहाँ पे बहुत सारे अखरोट हैं सबके हैं, बट मेरे थोड़ा छोटा जैसा पेड़ है अभी। तो मैं ना पेड़ में चढ़ गई थी, और नीचे देवरानी बैठी है, देखिए मैं पेड़ में हूँ, और पेड़ में लगी मैं अखरोट निकालने। मैंने डंडा सा लिया था, तो देखिए सामने का व्यू बहुत ही प्यारा सा। आजकल ना हिमाचल का मौसम बहुत खुल गया है, बहुत अच्छा हो गया है सच्ची में। ये देखिए, ये देवदार का पेड़ बहुत लंबा है, ये देखिए आप, पता ही नहीं चलता कितना लंबा है। देखिए आप, हम मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है कितने फिट होगा, तो बहुत बड़ा है और लंबा भी बहुत है, बहुत पुराना होगा।
तो ये देखिए ऐसे घास के बीच में अखरोट थे। पहले देवरानी घास निकाला और मैं चढ़ गई थी अखरोट में। इस तरह के रहता है अखरोट का दाना, क्योंकि वो हरे वाला छिलका इससे निकाल दिया था, और अंदर का यही है। अंदर का तो सबने देखा है। यहाँ पे आ गए थे हम घर, और ये आ गया मेरा क्यूटी पाई। देखिए मस्ती मारते हुए मेरे को ना हेड से बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं क्लिप ले लूँ, इतना प्यारा सा है, और फिर चला गया था। ये देखिए पापा को भी क्या दौड़ छिलके ये ही थे, और बाकी छिलके वाले बहुत थे, क्योंकि ये थोड़ा लेट पकता है? है तो इसमें छिलका बहुत टाइम तक रहता है, आहिस्ता निकलता है। तो मैंने एक साइड कर दिए थे, और भी दौड़ छिलके मैंने एक साइड कर दिए थे, क्योंकि संक्रांति आने वाली, साझा आने वाला। तो फिर हम अखरोट बांटते हैं, तो तभी मैंने अलग कर दिए थे इनको सुखाने के लिए। और यहाँ चले गया हम फिर से जंगल, और ये देवरानी नीचे काम कर रही थी। हम चलारा ला रहे थे, कल भी गए थे तो आज भी गए हैं। तो एक जनी हमारे साथ तो और गए थे, तीन जने गए थे। कल तो हम दो ही थे, आज हम तीन थे। देखिए और ऐसा ढांक रहता है, ये मैंने लगा दिया था भरा। मैं निकल गई थी ना, थोड़ा सा रास्ता था यहाँ पे, निकल गई थी। ये दूसरे वाले हैं, ये भी लग गए 12 लगाने थे, बस देवरानी के रह गया था थोड़ा बहुत, तो इसका वेट कर रहे थे हम। और ये देखिए इसके भी हो ही गया था कुल मिला के। तो ऐसे बैठ गई थी मैं नीचे रेस्ट करने। तो देखिए जंगल कितना बड़ा जंगल है, बहुत थोड़ा सा ढांक है, उतना ढांक नहीं है। ये ऐसे कैमरे में कैप्चर हुआ टेढ़ी साइड से, तो थोड़ा ढांक दिख रहा है, इतना ढांक नहीं है। तो देखिए आप, बहुत प्यारा है आज का मौसम। तो आपके लिए शेयर किया है, आपको कैसी लगी वीडियो? आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। तो देखिए अब आ गए थे हम, अब हम रास्ते में निकल गए थे ना, ऊपर हमने रेस्ट किया था बहुत ऊपर, तो फिर हम बैठ गए थे। ये देखिए आप आए हो। आपको वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। न्यू हो मेरे चैनल में प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना।